हाँ, बिग बॉस सीजन 13 का फिनाले तो हो चुका है, लेकिन फिनाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दे, असीम रियाज के पापा का फिनाले के दौरान क्रू मेंबर्स के साथ हो गया था एक भयानक झगड़ा। जी हाँ, आपको बताते हैं किस तरीके से असीम रियाज के पापा शो के मेकर्स के क्रू मेंबर्स से किस तरीके से भिड़ते नजर आए थे। जी हाँ, आपको बता दे, बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में जिस तरीके से असीम रियाज के पापा के तेवर देखने को मिले हैं, एक बड़ा झगड़ा हुआ था उसकी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिग बॉस सीजन 13 में ग्रैंड फिनाले को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, जिस तरीके से जी हाँ हर सीट को फिक्स्ड किया गया था कि इस सीट पर इस सदस्य के घर वाले आकर बैठने वाले हैं। आपको बता दें, असीम रियाज की फैमिली को पीछे वाली सीट की जगह दी गई थी बैठने के लिए। बस इसी बात पर अपनी आपत्ति जता दी थी असीम रियाज के पापा ने। जी हाँ, आपको बता दें, असीम रियाज के पापा को पिछली सीट दी गई, तो वहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा की मदर को, इन दोनों की मम्मी को आगे वाली सीट डिनोट की गई थी। जी हाँ, बस इसी बात को हजम नहीं कर पाए असीम रियाज के पापा और शो के क्रू मेंबर से जाकर इस बात को लेकर बहस उनकी शुरू हो गई। बातचीत से शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे काफी ज्यादा बहस में तब्दील हो गया और इस मामले को सुलझाने के लिए सिद्धार्थ की मम्मी ने अपना स्वीट गेस्चर दिखाते हुए असीम के पापा और असीम की पूरी फैमिली को अपनी सीट ऑफर कर दी थी। जी हाँ, यहाँ पर सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी सीट पर बैठ जाइए, हम आपकी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी आपको देखने को मिला होगा कि फिनाले में असीम रियाज की फैमिली आगे, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा की मदर पीछे वाले सीट पर बैठी नजर आई थी। जी हाँ, सीट को लेकर शुरू हुआ ये मुद्दा आखिरकार शांत हो गया, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला की मदर की पहल की वजह से। नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।